आज दुकान पर कुछ लोग आए, सामान बनवाया, पैक किया और चलते हुए ऐसा हुआ है। पुल वाली पेट पर लोधी किराना स्टोर पर जहाँ उनके साथ आई महिला वहाँ पहुंची, उसको वो छोड़कर चले गए और जो सामान था जिसकी कीमत हजारों लाख हजारों में आती है, लगभग 23 से 24 हजार तक की बता रहे हैं, और वो सारा सामान लेके चले जा चुके हैं। मौजूद पुलिस भी देखेंगे हम क्या होता है, क्या कहना दुकानदार उस महिला पुलिस का क्या होता है उस महिला के साथ, ये भी देखा जाएगा क्योंकि अभी वो मौजूद है वहाँ। क्या हुआ था, आप कैसे बैठी हैं और क्यों बैठाना गया है आप? मैं अपनी बहन के घर से आ रही हूँ। बहन कहाँ से? कनोना गांव में। अच्छा, मेरे बहन भी बीमार है, हॉस्पिटल है ब्लैंसर में संस्कार, उसमें भर्ती है, वहाँ पे वेंटिलेटर पे लग रहा है, टाइम बोतल बना भी किया। अच्छा, इनका ये कहना है कि आपके जो साथी थे, आपके जो साथ आए थे, वो सामान लेके चले गए हैं, आपको बिठा के चले गए हैं, ऐसा क्या कहना है इनका, इसके बारे में बताएं। आपको ये भी बता रहे हैं। जी जी, मैं अपने यहाँ से उतर के टेम्पो में से पैदल जा रही हूँ। जी ठीक, आपने आकर के पीछे से मेरा बैग लिया है। अच्छा, उन्होंने, उन लोगों ने? हाँ, वाला लड़का ने। अच्छा, भैया आप बैग क्यों ले रहे हो? अरे हम चलना तुम्हारे गांव छोड़ आएंगे, बहुत मौसी और कह गई कमी ने किसे तुमसे। हाँ अच्छा, तो वो बैग लेके आगे आगे आ गए, मैं पीछे पीछे आई हूँ, मैं यहाँ पे बैठ गई ब्रंच पे। अच्छा, यहाँ बैठ गया पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गई, वो यहाँ पे सामान जन कब ले रहो तलवार अपना, तीन चीज पूछी है वाले मुझसे, एक हींग, एक झाड़ू और एक बार घी बटी भैया जो तेरे दिमाग में भरे वाले ले ले। अब आपसे भी बार बार पूछ रहे थे वो? हाँ, ये तीन चीज पूछी है। अच्छा अच्छा, अब वो ये काम आ रही है कौन है कौन नहीं, ऐसे नहीं है। आप तो किसी के बीमार को देखने आए थे बता रहे हैं आप? नहीं, बीमार तो मेरी बहन हुई है, रिश्तेदारी, मेरी बहन का सराधो हुआ खाने आई, तो बहन भी बीमार है, मैं रुकी रही यहाँ पे। अच्छा, आपको कहाँ मिले थे वो लोग? अरे इधर मोड़ पर मिले, इधर से जाते हैं ना, तो मैं तो वहाँ जा रही डिवाइड कराए के लिए, टेम्पो के लिए ट्री में बैठ रही, वहाँ ने ट्री में बैठ ना पाई, तो वहाँ बैग ले लो मेरा। अच्छा, भैया मैं तो जानते ना हूँ के दीपक हूँ मैं, वो पापा को नाम कहा है के राजपाल, मेरे फिर आगे बाद में आके यहाँ फोन करो है अपनी बहनों को, जब मेरे बाद बच्चा था लड़का हमारी बहन हुई के, सारे लड़का वहाँ पे, चार लड़का है वहाँ पे बाप के पास, तो मैं जी कही मैं संतोष जी बता कोई राजपाल है गांव में, तो मौसी मोह तो मालूम ना राजपाल तो कोई ना है, दीपक कन्नो कोई दीपक, फिर मैंने यहाँ से फोन काट के मैंने अस्पताल में फोन मिलाया अपने बहनों के लिए। जब तक वो जा चुके थे पता ही ना कि हाँ निकल गए, हाँ निकल गए, मैं तो जा रही थी, इन्होंने पीछे पकड़ी, कहाँ जा रही हो तुम्हारे संग के काम, भैया मेरे संग तो कोई ना हो। अच्छा, मैं तो अकेली, लेकिन मेरा बैग जरूर लेते आए वो कम का, बैग कहाँ है आपका? बैग भी ले गए? बैग छोड़ गए? मैं बैठी रह गई है, अब मैं इतनी वो होती तो मैं उनसे पहले चली जाती, वो काम आलमी का मतलब है क्या बात है, तीन चीज जरूर बताई है मैंने, मैंने पूछी है अम्मा जी हिंग अच्छी है, भैया देख ले दरी वारी हिंग अच्छी कौन सी अच्छी, बस आपको बार बार दिखा रहे थे सामान को? नहीं, तीन सामान, तीन सामान दिखाए थे, एक झाड़ू लिया फूल झाड़ू आने, ये ठीक है, घी का डिब्बा और एक ही। ये वो बूढ़ी माँ है जिनको वो व्यक्ति छोड़ के चले गए, जिन्होंने यहाँ से सामान को परचेज किया था, सामान बंधवाया था, लगभग सामान की कीमत अभी दुकान स्वामी से हम पूछेंगे कि कितनी कीमत थी, लेकिन ये इनका कहना ये है कि मैं तो केवल डिवाई या डिवाई की ओर जा रही थी, वहीं से टेम्पो लेना था मुझे, वहां एक व्यक्ति आया कि मैं आपको पहचानता हूँ जानता हूँ, हम भी आपके साथ चलेंगे, वो साथ लेकर इनकी दुकान तक आया, यहाँ उनको बैठा ला, सामान खरीदने के कुछ बात जैसे इनका कहना कि लौंग वगैरह वो उनको दिखाए भी, ताकि ये महसूस कर सके कि हम सब साथ हैं, ऐसा है, प्रतीत भी हुआ, दुकानदार को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ है, लेकिन जागे की क्या कहानी है तो खैर पुलिस जांच में पता पड़ पाएगी, फिलहाल महिला मौजूद है, महिला पुलिस भी आ चुकी है, अब जानकारी करेंगे हम दुकानदार से कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। रतन भाई क्या हुआ था, बताया जा रहा है कि ये लोग आए थे तीन जने पहले,
जी हाँ, उन्होंने सामान के रेट लिए दो चार और उसके बाद में भी हमें सामान बनना लेकर ना आए, इतना सामान लेकर आओ। मैंने पर्चा पे सामान उनका करा और सामान लेकर लगा, जल्दी जल्दी मचा रहे। ये लेडीज वहाँ पे बैठी है, मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक पिलवाई, इतने कोल्ड ड्रिंक पियेंगे सब लोग। आप भी समझ रहे थे इनके साथ ही साथ ही है, यहाँ बिल्कुल साथ जैसा व्यवहार था इनका, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बहुत से सामान पूछ पूछ के लिए, ये ले लें ये ले लें, हाँ ये नहीं ये लो इस तरह से। और उसके बाद में इन्होंने ये भी कर रहे हैं, जल्दी मुझे देर हो रही है, जल्दी चलो बहुत देर हो जाएगी, ये भी कह रहे हैं। हाँ ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे थे। अच्छा, तो इन्होंने जो सामान को मैं निकाल के देता रहा और एक कट्टा यहाँ पे छोड़ गए अब भी। अच्छा सामान जो और बाकी ले गए, तुम इतने इसका बिल बनाओ और हम इन सामान को रख दें, बिल पेड करेंगे और इन्हें लेवा जाएंगे। वो कितने का सामान था जो ले? सामान मेरा पर्चा मेरे पास ही है। टोटल कितना था? 23,000 कुछ का सामान है। और वो जो रह गया वो कितने का था? वो उसी में जुड़ा हुआ थोड़ा सा सामान है, वो तो ज्यादा नहीं है वो। अच्छा अच्छा, लगभग 23-24 हजार का सामान। पूरा पर्चा मेरे पास ही है, वो पर्चा भी ना गया ना। आपसे कह गए इस सामान को हम रखें, उसके बाद ले जाकर दो तीन कट्टे और एक रिफंड का टीन है, चीनी कट्टा दो कट्टे में सामान है, एक एक करके ले जाकर ले जाते रहे। पहले वो चले गए फिर ये इनका इंतजार करते ये जा रहे होंगे। हाँ जब पकड़ा मैंने उन्हें, तनु कहाँ है वो, तो ये 23,454 रुपए का सामान है। उसके बाद पुलिस को बुलाया है आपने? पुलिस को बुलाया था। आप क्या चाहते हैं, आप क्या होना चाहिए? अब कम से कम पता तो पड़े, ये बता सकते तो बताए। इनका जैसे कहना कि पड़ोस में किसी के आई थी रिश्तेदारी में, बता रहे हैं बहनों की कैजुअलिटी वहाँ, वो हमने बराबर में जानकारियां करी, उसकी फुटेज निकलवाई है कैमरे की, तो उसमें ये साथ बात करती, साथ आई है उनके ये वहीं से। हाँ यहाँ से चौराहे पे थी। अच्छा अच्छा, दुकानदार का कहना है कि ये वहीं से साथ आ रही थी, लेकिन यहाँ तक सामान दिखाना लेना ले जाना की बातें चल रही थी। हमने जब पहले इनसे पूछा है, पुलिस ने आके इनसे पूछा, तो इन्होंने साफ मना कर दिया हमें उनके साथ ही ना हूँ। जब उन्होंने उनको फुटेज दिखाई है वो, जब इतनी आगे का ना, हाँ मैं उनके साथ आई हूँ, वहाँ से साथ आई, हाँ साथ आई हूँ, इतना आगे है फिर ये। अन्य बिल्कुल साफ मना कर दिया ना, मैं मेरा कोई मतलब नहीं, ना मैं उनके साथ आई ना मैं जानती हूँ। पुलिस वाले ने तो ये कहते हैं, तो उन्होंने अपने उसमें मोबाइल में फुटेज दिखाई है इनके साथ। अच्छा, उनकी फुटेज भी क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो पा, हाँ बिल्कुल क्लियर है सब। ये बता रहे हैं दुकानदार के महिला उनके साथ ही आ रही थी, वहां से पहले नकार कर रही थी, लेकिन जब हमने उनको फुटेज दिखाया उसमें फुटेज में क्लियर हो गया और वो साथ आ रही थी, ये प्रतीत हो पा रहा था। अब बात ये साबित होना चाहती है कि वो वाकई इनके साथ है या नहीं, ये जांच का विषय है। पुलिस इसमें गहनता से जांच कर रही है, महिला कितनी सच्चाई बोल पा रही है ये भी वो पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस पिकेट मौजूद है।